हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सेवा। गीता गीता, मनोज की आवाज़ सुनकर गीता दौड़ कर आई। ये देखो, माँ के बाल बिखरे हुए हैं, तेल लगाकर अच्छी सी चोटी बना दो। नाश्ते के साथ बाल उड़कर मुँह तका रही हैं। गीता कमरे में गई और फटाफट कंघी और तेल लेकर आ गई। उसने अपनी सास के बालों में तेल लगाया और चोटी बांध दी, फिर रसोई में चली गई। देखा, कितनी अच्छी बहू है मेरी, एक आवाज़ में ही आकर सब काम कर जाती है। रजनी जी ने कहा, हाँ माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, तभी तो उसने मेरे घर के साथ मेरी मम्मी पापा को भी संभाल लिया है। बेटी से बढ़कर सेवा करती है। अच्छा मम्मी, आप नाश्ता कर लो, जब पापा पूजा कर लेंगे तो वो भी नाश्ता कर लेंगे, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। मनोज ने अपनी मम्मी को प्रणाम किया और कमरे से बाहर आ गया। गीता, मेरा नाश्ता लगा दो। और सुनो, मुझे तो समय नहीं मिलेगा, ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, मम्मी की दवाई दोपहर तक की ही बची है। तुम मोनू को स्कूल लेने जाओ तो याद से दवाई भी लेती हुई आ जाना। गीता ने हामी में सिर हिलाया और मनोज नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद मनोज चला गया और गीता रसोई में दौड़ी और सास ससुर के लिए दूध बनाकर उनके कमरे में ले गई। बहू, तू रोज दूध मत लाया कर, अब इस उम्र में दूध पीकर हम क्या करेंगे। मोनू को पिलाया कर, कितनी भागा दौड़ी करता है, तू पिया कर, दिन भर सबके पीछे लगी रहती है, तेरे काम कभी खत्म भी होते हैं। अब ये दूध यहाँ से वापस ले जा। मम्मी जी, पापा जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ये दूध तो आपको पीना बहुत जरूरी है, इस उम्र में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, शरीर बहुत कमजोर पड़ जाता है। मोनू और मैं अपने हिस्से का दूध पी लेते हैं, आपको अपने हिस्से का दूध पीना है, आप मना नहीं कर सकते। और गीता अपने सास ससुर के लिए दूध का गिलास वहीं पर रखकर चली जाती है। ये बहू भी ना हमारे साथ बच्चों की तरह व्यवहार करती है, हम कोई छोटे बच्चे हैं। रजनी जी हंसते हुए बोली, रजनी, बुढ़ापे और बचपन में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक समान होते हैं, बहू हमारा बच्चों की तरह ख्याल रखती है, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जो इस जमाने में इतने अच्छे बेटा बहू मिले हैं। रामलाल जी दूध का गिलास अपनी पत्नी रजनी को पकड़ाते हुए बोले, अब चुपचाप दूध पी लेते हैं, नहीं तो मास्टरनी जी आ जाएंगी, देखें हम दोनों में से कौन फर्स्ट आता है। और दोनों साथ में हंसने लगते हैं, तभी उनका पोता मोनू कमरे में आता है और दोनों को प्रणाम करता है। दादाजी और दादी जी, आप दोनों हंस क्यों रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, ये तो हमारे दिल की खुशियां हैं जो हमारे चेहरे पर आ गई हैं, तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हम दोनों की बहुत सेवा करते हैं, हम दोनों को बहुत खुश रखते हैं। तू भी बड़ा होकर अपने पापा की तरह बनना और अपने मम्मी पापा को बहुत खुश रखना, उनका कभी दिल मत दुखाना। जी दादाजी, ये कहकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। गीता उसे स्कूल छोड़ आती है, आकर वो सारे घर को व्यवस्थित करती है, खुद नाश्ता करती है, बाकी काम निपटाती है। खाने की तैयारी करने से पहले वो अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। मम्मी जी, दोपहर के खाने में क्या सब्जी बनाऊं, हमेशा की तरह वो पूछती है। गीता, जो मनोज और मोनू को पसंद है वो बना लो। मम्मी जी, मनोज तो टिफिन ले गए हैं और मोनू भी लंच बॉक्स ले गया है, तो उनके लिए तो बना दी थी। आप दोनों के लिए क्या बनाऊं, जो भी आपको पसंद है वो ही बता दीजिए। बहू हमारा क्या है, तुम जो भी दोगी वो खा लेंगे, हमारी वजह से इतना परेशान मत हुआ कर, जो सब्जी रखी है वो खा लेंगे। मम्मी जी, उनके लिए सूखी आलू की सब्जी बनाई थी, पर उससे आपका पेट नहीं भरेगा, मैं दूसरी बना दूंगी। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आप तो घर की बुजुर्ग हैं, घर की मुख्य नींव हैं, आपके लिए मैं कोई परेशान नहीं होती हूँ, मेरी इच्छा रहती है आप दोनों जब भी खाना खाएं तो भरपेट खाएं और संतुष्ट रहें, और हमारे ऊपर आप दोनों का आशीर्वाद बना रहे। जब मोनू और मनोज जी अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप तो उन दोनों से पहले हो। गीता ने उनकी पसंद की सब्जी बना दी और नर्म और गर्म फुलके भी उतार दिए। दोनों वृद्ध सास ससुर ने खाना खाया और आशीर्वाद दिया। गीता दोपहर को स्कूटी पर बेटे को लेने गई और रजनी जी की दवाई भी लेकर आ गई। बेटे को पढ़ाकर उसने दोपहर की चाय चढ़ा दी, तभी देखा जोरदार बादल बरसने लगे। वो बालकनी में कपड़े लेने गई तो रामलाल जी और रजनी जी आपस में बात कर रहे थे। रजनी, जब भी बारिश होती थी तू मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े और धनिया की तीखी चटनी बना देती थी। हाँ जी पता है, और आपको सब्र नहीं होता था, गर्म पकौड़ों से मुंह तक जला लेते थे। और दोनों हंसने लगते हैं। गीता ने कपड़े पलंग पर रखे और बेसन घोलकर पकौड़ों की तैयारी कर ली। चाय में उबाल आता इससे पहले ही उसने पकौड़े तल लिए और चटनी बनाकर सास ससुर के कमरे में ले गई। पापा जी, चाय लीजिए। उसने चाय का कप पकड़ाया और पकौड़े रख दिए। पकौड़े देखते ही रामलाल जी की आंखें चमक गईं। अरे बहू, ये अचानक पकौड़े कैसे। पापा जी, आपको बारिश के मौसम में पकौड़े बहुत पसंद है ना, इसलिए बना लिए, पर आप इसकी भाप निकाल कर खाना, मुंह मत जला लेना। दोनों समझ गए थे कि बहू ने उनकी बातें सुन ली थी। गीता बहू, सदा सुखी रहो, दोनों ने आशीर्वाद दिया।
शाम को मनोज घर आ गया और आते ही मम्मी पापा के कमरे में गया, वहीं पर सबके लिए चाय मंगवा ली। आपका दिन कैसा रहा? दवाई समय पर ली या नहीं? खाने पीने की पूरी जानकारी ली और फिर अपने कमरे में चला गया। गीता, मेरे मन में एक बात है, मैं अपने मम्मी पापा की हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, आप इतना कर रहे हैं, पर मुझे पता है उन्हें चार धाम की यात्रा करनी है। परसों ही मम्मी जी पापा जी से कह रही थी, जीवन में सब कर लिया, बस चार धाम की यात्रा रह गई है। अच्छा, तो मैं आज ही उन दोनों के टिकट बनवा देता हूँ, वो दोनों चले जाएंगे, मनोज ने कहा। ओहो, आप भी कैसी बातें कर रहे हो, वो वृद्ध हैं, अकेले कैसे जाएंगे? मोनू की स्कूल की छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो मैं सोच रही हूँ हम सब चलते हैं, उन्हें सहारा भी मिल जाएगा, हम दोनों मिलकर उनका पूरा ध्यान रखेंगे। मनोज को बात जच गई और उसने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली और रामलाल जी, रजनी जी और पत्नी बेटे समेत चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। यात्रा से आकर दोनों बहुत खुश थे। एक रात रामलाल जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके जाने के बाद वृद्ध रजनी जी भी ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकीं। गीता और मनोज के सिर से उनका साया उठ गया था। बहुत दिनों तक वो दुख मनाते रहे, पर आखिर जीवन तो जीना था। दोनों फिर से दैनिक दिनचर्या में लग गए। मोनू अब बड़ा हो गया था, वो कॉलेज जाने लगा था। इधर गीता और मनोज की भी उम्र बढ़ रही थी। मोनू की नौकरी लगते ही रिया से उसकी शादी हो गई थी। रिया भी पढ़ी लिखी पर थोड़ी आधुनिक लड़की थी। वो अकेले परिवार से आई थी, जहां सिर्फ उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। रिया शुरू से ही स्वतंत्र और अपने हिसाब से रही थी। उसे नए घर में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी हुई थी। एक दिन मोनू ऑफिस से आया और सीधा गीता जी और मनोज जी के कमरे में चला गया, चाय वहीं पर मंगवा ली, उन्हें दिन भर की बातें बताई और उनकी बातें सुनी। उस समय तो रिया कुछ नहीं बोली, पर रात को कमरे में वो अपने पति पर बहुत गुस्सा हुई। ये क्या तरीका है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी और आप आते हैं, मम्मी जी पापा जी के कमरे में चले गए, मेरे प्यार और इंतजार का तो कोई मोल ही नहीं है, आपने मुझसे शादी ही क्यों की? मोनू हैरान था। उसने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम्हारी भी चिंता है, लेकिन तुम अकेले ही मेरे घर लौटने का इंतजार नहीं कर रही थी, मेरे मम्मी पापा भी मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा मुझ पर हक है, लेकिन मेरे मम्मी का भी मुझ पर हक है। तो क्या मैं 10 मिनट उनके पास नहीं बैठ सकता हूँ? मेरी बचपन की यही आदत है कि स्कूल से आते ही मैं मम्मी को सारी बात बताता था। कॉलेज में था तब भी यही दिनचर्या थी और शादी के पहले भी, इतने सालों की आदत मैं छोड़ तो नहीं दूंगा। तुम भी सीधी चाय लेकर अंदर ही आ जाया करो, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि बेटे बहू उनके साथ चाय पी रहे हैं, उन्हें समय दे रहे हैं। रिया ने कुछ समझना नहीं चाहा। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, पर मोनू ने अपने मम्मी पापा के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भुलाया। वो अपने मम्मी पापा को समय भी देता था और उनकी पूरी देखभाल भी करता था, उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे अपनी दादी की बात याद थी। वो कहा करती थी कि तू अपने मम्मी पापा को कभी दुख मत देना, तेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं। पर ये बात रिया समझ नहीं पाई थी। वो खाना समय पर बना देती थी, पर कभी आगे होकर कुछ नहीं पूछती थी, ना ही उनके पास में बैठा करती थी। अब रिया माँ बनने वाली थी, कुछ महीनों बाद उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। वो बड़ा होने लगा और गीता जी और मनोज जी और भी वृद्ध होने लगे। रिया अपने बेटे पर जान छिड़कती थी और उसके हिसाब से सब काम करती थी, उसकी पसंद का खाना बनाना, उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी। एक दिन वो स्कूल ट्रिप से आया और आते ही वो रिया के कमरे में नहीं गया। उस दिन रिया को बहुत बुरा लगा, उसने देखा कि वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया है, अब उसे अकेलापन सताने लगा। उसने ये बात मोनू से शेयर की, तब मोनू ने फिर समझाया, देखो रिया, एक दिन बेटा तुम्हारे पास नहीं आया तो तुझे अच्छा नहीं लगा, तुम्हें लगा कि वो दिन भर की बातें तुझे बताएगा, पर अब वो तुम्हें समय नहीं देगा, वो बड़ा हो रहा है, कल को कॉलेज में आएगा, नौकरी करेगा और उसकी भी शादी हो जाएगी और वो अपनी ज़िंदगी जिएगा और हमें तो फिर अकेला ही छोड़ देगा। हमें अकेला क्यों छोड़ेगा, एक ही बेटा है हमारा, हमारे हर सुख दुख में साथ रहेगा, मेरा बेटा हमारी पूरी सेवा करेगा और उसकी पत्नी भी करेगी। रिया, तुम अपने सास ससुर का कितना ख्याल रखती हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा? पता है मेरे मन में मम्मी पापा के प्रति इतना मान सम्मान क्यों है? क्योंकि मैंने मम्मी पापा को दादा दादी की सेवा करते हुए देखा है। पापा सीधे ऑफिस से आते ही दादाजी के कमरे में जाते थे, हम सब साथ में बैठा करते थे, मैंने देखा है। मम्मी भी दादी जी और दादाजी का बड़ा ख्याल रखती थीं, उनकी पसंद की चीज़ें बनाती थीं, उन्होंने अपने बड़ों की सेवा की है, तो मुझ में भी यही संस्कार आए हैं। जब हमारा बेटा तुम्हें बड़ों की सेवा करते देखेगा ही नहीं, तो उसके अंदर सेवा और परवाह के गुण कहाँ से आएंगे? रिया आज सचमुच शर्मिंदा थी। जो बात मोनू बरसों से समझाना चाह रहा था, वो उसे आज समझ आ गई।
वो अपने पति के साथ सास ससुर के कमरे में गई और उसने अपने व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी। आज गीता जी और मनोज जी को अपनी सेवा का फल मिल गया था। बेटा तो अपने संस्कार कभी भूला नहीं था, पर बहू ने भी आज उनकी आत्मा को सच्चा सुख दे दिया था। उन्होंने बेटे और बहू को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।